आज हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज की जनगणना है क्या, पहला चीज जनगणना यानी जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनना यानी लोगों को गिनना, यानी कि किस प्रकार से गिनेंगे। एक चीज तो उनको गिनते हैं हम जनसंख्या के आधार पर, दूसरी चीज धर्म के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, जाति के आधार पे और आर्थिक दृष्टिकोण से उनको हम गिनते हैं, यानी कि जनगणना के अंतर्गत ये समझते हैं। ये नहीं है कि जनसंख्या ही जनगणना है, जनसंख्या ही जनगणना नहीं है। जनगणना यानी कि लोगों को गिनना है, किस आधार पे उनको गिन रहे हैं, किस आधार पर उन्हें काउंट कर रहे हैं, वही हमारी जनगणना होती है। पहली चीज ये जनगणना सन 2011 की चल रही है। 2011 की जनगणना का पहले तो आप जानिए कि थीम क्या था। थीम 2011 की जनगणना का ये थीम था कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य थीम बना था सन 2011 की जनगणना का। अब आइए जनगणना के बारे में हम थोड़ा सा जान जाएं कि जनगणना की शुरुआत किस प्रकार हुई। आधुनिक पद्धति में सबसे पहले 1749 में जनगणना की शुरुआत स्वीडन ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे जनगणना जो हुई 1801 में इंग्लैंड ने कराया। अब देखिए जनगणना की शुरुआत हो गई थी हर देश में। इसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले दशकी वृद्धि दर यानी दशकी जनगणना का कार्य पूरे विश्व में अमेरिका ने कराया, जो 1890 में कराया। यानी कि दशकी जनगणना कार्य की बात करें तो अमेरिका, और सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो स्वीडन 1749। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं अपने यहाँ भारत में यानी कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई, यानी कि उस समय का गवर्नर कौन था, यानी सबसे पहली जनगणना यानी कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, यानी कि लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना की नींव डाली भारत के अंदर 1872 में। उसके बाद फिर आया जो दौर कि भाई जनगणना की शुरुआत हो गई है तो हर साल जनगणना, प्रत्येक वर्ष पर जनगणना की शुरुआत कर दें, तब भी हमें एक बार जनगणना कराने में जो खर्च होता है वो वहन ना हो सके, इसलिए जनगणना 10 वर्ष पर कर दी गई। यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना को 10 वर्षीय जनगणना कर दिया गया, जो आज के लिए भी वही है। जो जनगणना हमारी चल रही है वो 10 वर्ष के अंतराल पर ही होती है, जिसका श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है जिन्होंने सन 1881 में जनगणना की शुरुआत की 10 वर्ष की। अब चीज दो चीज आपको नोट करने के लिए है। पहली चीज सर्वप्रथम जनगणना कब कहां 1749 स्वीडन ने, ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई 1872 लॉर्ड मेयो शासनकाल में, और 1881 में 10 वर्षीय यानी 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। एक अब आते हैं इस प्रकार देखा जाए तो आज सन 2011 की जनगणना जो हमारे यहाँ हुई है, हमारे देश की हुई है, इसका कार्य जो हुआ है ये भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं। यानी कि जनगणना अगर भारत की बात की जाए तो ये 15वीं जनगणना किससे लिया जाएगा, 1872 से, 1872 के बाद की ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। और 21वीं सदी की बात की जाए तो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं पहली चीज जनगणना की शुरुआत हो गई। भाई जनगणना की शुरुआत हो गई तो इसका कुछ प्राचीनतम साक्ष्य, कैसे जनगणना की शुरुआत कर दिया, किस प्रकार से कर दिए, इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अबुल फजल के आयने अकबरी से भी मिलता है तथा रोमन साम्राज्य के कैनेस्ट्रल सर्वे से मिलता है जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य, जिसके द्वारा हम जनगणना स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पहली चीज जनगणना का जो साक्ष्य हमें मिला है, प्रथम साक्ष्य यानी जो साक्ष्य हम जनगणना के, जिस बेस पर जनगणना चलते हैं,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अबुल फजल के आईने बरी से तथा रोमन साम्राज्य के पेडेस्ट्रियल सर्वे से। अब देखिए जनगणना इस बार भारत में हो चुकी है धीरे धीरे, तो शुरुआत ही उसका मान जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो भाई जब स्वतंत्र हो गया तो भारत ने भी कोई नीति बनाई, तो सबसे पहले इसने एक जनगणना अधिनियम पारित किया जो सन 1948 में पारित हुआ, यानी कि 1948 का जो हमारा है जनगणना अधिनियम कब का है, 1948 का है। इसके बाद भाई जब अधिनियम पारित हो गया तो हम खुद कराएंगे, यानी भारत खुद जनगणना कराएगा, तो किस बेस पर कराएगा, कोई तो विभाग का गठन करेगा। इसके लिए सन 1961 में एक जनसंख्या विभाग यानी जनगणना विभाग की गठन होता है। जनगणना विभाग का गठन जो होता है वो गृह मंत्रालय द्वारा होता है। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग का गठन होता है सन 1961 में। गृह मंत्रालय जनगणना कराता है, वो कराता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, साक्षरता के दृष्टिकोण से, लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से। परंतु कुछ ऐसी जनगणनाएं हैं जो गृह मंत्रालय नहीं कराता है, जिसको कौन कराता है हमारे लिए, जैसे सामाजिक जनगणना की बात कर ले, आर्थिक जनगणना की बात कर ले और जातिगत जनगणना की बात कर ले। तो भाई इन सब में सामाजिक, आर्थिक और जाति ये गांव से रिलेट करते हैं, अलग अलग क्षेत्र से रिलेट करते हैं, यानी कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य होता है कि सामाजिक क्षेत्र को देखना, आर्थिक क्षेत्र को देखना तथा जातिगत क्षेत्र को देखना। ये नहीं गृह मंत्रालय देखेगा कि कौन सी जाति कहाँ है, कितनी है, स्तर पर है, कहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी है, ये ग्रामीण मंत्रालय देखता है। इसलिए इन तीन जनगणना यानी कि एक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, ये तीन जनगणनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय कराता है। क्लियर? यानी आपको दो चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि जनगणना विभाग का गठन तो हुआ है गृह मंत्रालय के तहत, जनगणना विभाग का गठन तो हुआ है गृह मंत्रालय के तहत, परंतु सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की अगर जहां बात कर लिया जाए वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार जनगणना कराती है, राज्य सरकार जो है जनगणना कराती है, यानी उसको सहयोग देती है जनगणना कराने में, राज्य सरकार सहयोग देती है, परंतु राज्य सरकार का विषय नहीं जनगणना, ये है केंद्र सरकार का, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसको दायित्व दिया गया है कि आप जनगणना कराएं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार क्या कराएगी, जनगणना कराएगी। ठीक, ये नहीं कहा गया कि राज्य सरकार जनगणना कराएगी, परंतु राज्य सरकार कराती है केंद्र सरकार के कहने पे, यानी राज्य जनगणना कराने में सहयोग करता है। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। मार्थस का जनसंख्या सिद्धांत, एक अर्थशास्त्री थे इंग्लैंड के मार्थस, जिन्होंने 1792 में एक अपना सिद्धांत दिया था जनसंख्या के प्रति। उनका सिद्धांत ये था कि जो हमारी जनसंख्या है यानी जो भारत की यानी जो विश्व की जनसंख्या है वो किस श्रेणी में, जनसंख्या बढ़ रही है, बृहत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, किसमें, बृहत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, यानी कि 1, 2, 4, 6 इस प्रकार से ये बढ़ रही है। अब आइए जो हमारे जीवन को उपार्जन का साधन है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह ये बढ़ रहा है समान, यानी कि हमारी जनसंख्या तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, परंतु जीवन को उपार्जन का जो साधन है वो गुणोत्तर श्रेणी में न बढ़कर समांतर श्रेणी में बढ़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं आश्रित आबादी। आश्रित, आश्रित दो ही लोग हो सकते हैं, एक तो बच्चा या बूढ़े, यानी कि आश्रित जनसंख्या का जो हमारी जनसंख्या नीति है उसमें कहा गया है जो जीरो यानी जो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 14 वर्ष तक वो आश्रित रहता है, किसी के सहारे रहता है, इसलिए उसे आश्रित जनसंख्या रखा गया है। तथा 60 वर्ष के बाद जो लोग बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी आश्रित जनसंख्या में रखा गया है, यानी कि आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष तथा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या में रखा गया है। परंतु बीच की जो जनसंख्या बची यानी कि 15 से 59 की बची, उनको भी तो कुछ नाम दिया गया,
उन्हें नाम दिया गया कार्यकारी जनसंख्या, उनको नाम दिया गया कार्यकारी, यानी कार्यकारी जनसंख्या 15 से लेकर 59 साल के लोगों को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। अब कार्यकारी जनसंख्या, हम जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या विश्व कोड से चीन है, सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पर भारत आता है, परंतु कार्यकारी जनसंख्या की अगर बात की जाए, कार्यकारी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्यकारी जनसंख्या यानी विश्व में सबसे अधिक कार्यकारी जनसंख्या भारत की है, यानी कार्यकारी जनसंख्या में प्रथम स्थान रखने वाला भारत है। अगर इन कार्यकारी जनसंख्या को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए भारत सरकार द्वारा, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार आ सकता है। इसको सुधार लाने के लिए उन्हें हम प्रोत्साहन दे तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। ठीक, अब आते हैं, यही बात समझ लीजिए थोड़ा सा, जनांकिकी लाभांश क्या होता है। जनांकिकी लाभांश वो लाभांश होता है जिसमें कुल जनसंख्या में जो कार्यकारी जनसंख्या होती है वही जनांकिकी लाभांश कहलाता है, यानी कि कार्यकारी जनसंख्या का अधिक होना ही जनांकिकी लाभांश कहलाता है। ये नहीं कहेंगे कि कुल जनसंख्या का अधिक होना, हम यहाँ ये कहेंगे केवल कार्यकारी जनसंख्या का अधिक होना ही जनांकिकी लाभांश कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट पर क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट यह होता है कि उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, यानी कि जहां पर जन्म दर हमारा उच्च है यानी कि बढ़ रहा है परंतु मृत्यु दर जो है हमारा निम्न है, उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके बाद अब देखिए आपको हम बता दें, जनसंख्या विभाग का गठन हुआ, जनसंख्या विभाग का गठन हुआ, उसके बाद जनसंख्या आयोग की भी गठन किया गया। जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई सन 2000 में भारत की जनसंख्या आयोग का गठन होता है, आपके सामने है जनसंख्या आयोग का गठन, जिसे एनसीपी नेशनल पॉपुलेशन कमीशन कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होता है प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष इसके दो होते हैं, एक होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, दूसरा होता है केंद्र स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, जो आज के डेट में योजना आयोग जो है नीति आयोग का कार्य कर रही है, जो जब इसका गठन हुआ था उस समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष एक होता था उपाध्यक्ष, और दूसरा केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री होता था उपाध्यक्ष। जो आज का समय चल रहा है, आज का वर्तमान दौर चल रहा है, आज के दौर में योजना आयोग खत्म होकर उसे नीति आयोग बना दिया गया है, परंतु जो जनसंख्या आयोग था, जो योजना आयोग का कार्य करता था, परंतु वर्तमान में आज जनसंख्या आयोग जो है योजना आयोग के तहत कार्य न करके वर्तमान में यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, यानी कि अगर योजना आयोग की बात की जाए कि योजना आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। ठीक, अब आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी कि नेशनल पॉपुलेशन फंड। नेशनल पॉपुलेशन फंड का गठन फरवरी 2003 में किया गया। इसका गठन इसलिए किया गया था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो क्रियान्वयन था उसको चलाने के लिए नेशनल पॉपुलेशन फंड का गठन किया गया, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 की थी, उसी को क्रियान्वयन उसी को बढ़ाने के लिए यानी चलाने के लिए सन 2003 यानी फरवरी सन 2003 में एक नेशनल पॉपुलेशन फंड यानी राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का गठन किया गया, और उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष जो है यहाँ मात्र एक होता है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो होता है वो उपाध्यक्ष होता है। उसके बाद हम आते हैं मेगा सिटी पे। मेगा सिटी है क्या? सन 2011 की पहले की पूर्व जनगणना जो हुई थी वहां पे जो 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे उनको मेगा सिटी माना जाता था, यानी कि सन 2011 से पहले जो जनगणना हुई थी उस समय के जो 40 लाख से ऊपर के जो
नगर थे उन्हें मेगा सिटी माना जाता था, परंतु आज के डेट में यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार यूएनओ ने लागू किया है कि जहां की जनगणना यानी जहां की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है यानी कि 1 करोड़ से अधिक है उसे हम मेगा सिटी मानेंगे। और पूरे भारत में मात्र 3 ही मेगा सिटी हैं, पहला बृहत मुंबई, दूसरा दिल्ली और तीसरा कोलकाता। यानी कि भारत में अगर मेगा सिटी की बात की जाए तो मात्र 3 मेगा सिटी हैं। कौन कौन से? बृहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। क्लियर। अब आते हैं भारतीय नगरों का जनसंख्या के आधार पर विभाजन कर दिया गया था। जो भारतीय नगर थे उनको जनसंख्या के आधार पर विभाजन यानी बांट दिया गया था, यानी कि उनको कितने भागों में कितने वर्गों में बांटा गया, उनको मात्र 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग में? 6 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग जो शहर कहलाया, यानी कि पहला वर्ग जो शहर कहलाया वहां की जनसंख्या क्या थी? 1 लाख से अधिक जहां की जनसंख्या थी उन्हें प्रथम वर्ग में रखा गया, यानी कि उनको कहा गया कि ये शहर है। उसके बाद हमारा वर्ग दूसरा और तीसरा आता है जहां उनको कहा जाता है कि तीव्र वृद्धि की जनसंख्या है। क्या कहा गया उन्हें? यहाँ पर तीव्र वृद्धि की जनसंख्या उनको कहा गया और उन्हें किसी नगर का नाम नहीं दिया गया। इसके बाद हमारा आता है वर्ग 4, 5, 6 जिसको हम लघु नगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लघु नगर के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारा चौथा पांचवा छठवां जो हमारा वर्ग है उसको हम लघु नगर के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर विभाजन कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आईएएस लेवल का था और क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार का। ठीक, 6 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है जिसे शहर कहा जाता है, यानी कि जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक होती है उसे हम प्रथम वर्ग में रखते हैं। दूसरी वर्ग तथा तीसरे वर्ग को हम कहते हैं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कहा जाता है, यानी दूसरे तथा तीसरे को क्या कहा गया है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कहा गया है तथा वर्ग 4, 5, 6 को लघु नगर कहा जाता है, यानी कि लघु नगर की संख्या किसको किस वर्ग को दी गई है? वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 और तीव्र वृद्धि वाले नगर किसको कहा गया है? वर्ग 3, 2 तथा वर्ग 3 को, और शहर किसको गया? वर्ग 1 को शहर कहा गया। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं कि एक बार भारत में महान विभाजक वर्ष था, वो वर्ष सन 1921 का वो वर्ष था, यानी कि 1911 से लेकर 1921 में इतनी हरास उत्पन्न हुई, यानी कि महामारी भुखमरी को लेकर इतना कुछ हुआ कि हमारे मृत्यु दर जो थी माइनस के 0.31% चली गई, इसलिए उसे महान विभाजक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1921 के जनगणना के बाद देश में जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हुई, इसलिए इसे महान विभाजन वर्ष कहा गया। किसको? 1921 को। ये ध्यान रखना चाहिए, महान विभाजक वर्ष किसको कहा गया? 1921 को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या में बहुत से तीव्र गति बढ़ गई और जो ह्रास हुआ था हमारे यहाँ 1911 से लेकर 1921 के बीच में भुखमरी महामारी अन्य बीमारियों के कारण, तो हरासमेंट हमारे यहाँ कितना हुआ था? माइनस के 0.31% का हरासमेंट हुआ था, इसलिए महान विभाजक वर्ष जो है 1921 है। आगे की जनगणना का जो भी वीडियो है आपको हम टॉपिक वाइज पूरा लोअर पीसीएस को दृष्टिकोण से रखते हुए बताएंगे। इसमें आपकी भारत की भी जनगणना होगी, यूपी की भी जनगणना होगी, क्योंकि आप लोअर यूपी का देने जा रहे हैं इसलिए यूपी की भी जनगणना होगी, तथा आपको वैश्विक जनगणना के बारे में तथा जातिगत जनगणना यानी धर्म यानी धार्मिक जनगणना के बारे में भी आपको वीडियो में मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।